दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। और जैसा कि ईद निकल गई तो अब दोपहर के अंदर 3 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं इनको उड़ाना। इनमें 8 नर हैं और बाकी की मादिने, 4 मादिने उड़ा रहे हैं और 8 नर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको उड़ाना, देखते हैं धूप में क्या काम करेंगे। तो स्टार्टिंग आज कर रहे हैं इनको उड़ाने की धूप के अंदर। दोस्तों ये 2 कबूतर नहीं उड़े, 1 कासनी और 1 कलसरा, बाकी सब उड़ गए। और अब स्टार्ट होगी इनकी सबसे ज़्यादा मेहनत, क्योंकि यही वो टाइम है अब कि टूर्नामेंट भी चालू होने वाले हैं और कबूतरों को उड़ना ज़रूरी है। तो इनको और उड़ा देते हैं। तो दोस्तों उड़ चुके हैं सारे कबूतर, और जहाँ पे इस वक्त अपना खुद का धूप में बैठना मुश्किल हो रहा है वहाँ पे ये कबूतर धूप में उड़ रहे हैं। तो इनके लिए 1 लाइक तो बनता है, और ये 1 दिन के रेस्ट के बाद उड़ाएं। दोस्तों 2 कबूतर जो हैं इनको रेस्ट नहीं दिया है, बाकी सबको 1 दिन के रेस्ट पे हैं ये कबूतर और अच्छे लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे आते जाएंगे जिस टाइम पे तो आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले तो ये कासनी कबूतर जो उड़ा नहीं था ये वापस आ रहा है, देख सकते हैं आप इसको। तो ये बेड़िया, और ये भी 2 दीचे उड़ रहे हैं अभी। इनको पानी पिलाया गया है, पानी पिलाते उड़ाया गया है। ये हाँफ रहा है अभी, तो मतलब अभी इनमें बनना बाकी है कबूतरों का, तो टाइम लगेगा इनको बनने में। ये कबूतर चलते हुए बाकी, तो इनको अब रेस्ट दे दे के उड़ाया जाएगा, और जो हाफ रहे उनको रेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो एक ही कबूतर आता हुआ दोबारा वापस, ये कौन सा है, बाजरा चित्तीन। एक कबूतर इसके ऊपर दिख रहा है, एक और इसके ऊपर दिख रहा है, और धूप के अंदर आके खोलना बहुत मुश्किल हो रही है दोस्तों। ये देखिए कितनी तेजी से आ रहा है ये कबूतर, 2 कबूतर नीचे आए अपने। तो 2 कबूतर और आ गए दोस्तों, 1 बाजरा और 1 कलसरा, 3 कबूतर बैठ गए। और देखिए इनके मुंह खुल रहे, 3 कबूतर आ चुके हैं, और ये चौथा हमारा बच्चा आते हुए 2 बस। तो अब इनको 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे के बाद ही उड़ाया करेंगे, ताकि इनकी और ताकत से बॉडी बने, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ सुबह ही सुबह उड़ा रहे थे क्योंकि सुबह टाइम मिल रहा था। और अब आपको रेगुलरली दोपहर में ही देखने को मिलेंगे उड़ाने, सारी दोपहर की उड़ाने, तो इनकी सही असलियत पता लगेगी। तो ये बच्चा आते हुए, तो इस टाइम हवा भी चल रही है, तो ये 4 कबूतर आ गए टोटल। दोस्तों ये 5 कबूतर और दिख रहे हैं अपने, ये भी आ रहे हैं नीचे। बहुत शिद्दत की धूप है, 40 करीब टेम्परेचर है, और 40 का भी टेम्परेचर में ये उड़ रहे हैं अभी। तो इनको इसी टेम्परेचर के मुकाबले अब तैयार करेंगे, किस टेम्परेचर के अंदर उड़े हैं। इसके अंदर ये कासनी है अपना, कासनी बच्चा जो 8 कली का है वो लगाया था।
तो इधर एक हमारी टोक वाली मादिन आती हुई, तो एक आसनी बच्चा बेड़िया और टोक वाली मादिन इस पर बैठी है। देखिए दोस्तों सारे कबूतर आते हुए, बहुत शिद्दत की गर्मी है। आ रहे हैं वापस और ये उड़ रहा है इधर कलसरा, ये भी कलसरा। तो दो टोक वाली मादिन बैठी नहीं थी, ये चल रही है कास्टी बच्चे के साथ में, और इसके ऊपर तीन कबूतर ही चल रहे हैं। ऊपर इसके पांच कबूतर होने चाहिए वैसे। एक मादिन देखिए हमेशा वही बैठती है, वही बैठी हो। एक आसनी मादिन भी आ गई, तो टोटल मिला के सात कबूतर आ चुके हैं। एक नया कलसरा लगाया था ये, नीला भी आ गया हमारा। तो धूप ने सबके कजबल निकाल दिए, ये धूप के अंदर उड़ना 40 डिग्री के टेम्परेचर में। तो अब ये धीरे धीरे सब तैयार होंगे, जितने कबूतर थे सब आधे घंटे में बैठ गए धूप की वजह से। तो अब यही टेम्परेचर में इनको उड़ना है और यही टेम्परेचर में इनकी उड़ान बढ़ाना है। बैठते हैं हमारे दो ऊपर चल रहे हैं, तीन कास्ट में चल रहा है ऊपर। दोस्तों एक कास्ती ने वारा पर झड़ा है, नवा पर झड़ा है इसका ये, तो ये आठ कली की पट हो गई। दोस्तों एक कबूतर वहां जाके बैठा ही है, तो आठ कबूतर बैठ चुके हैं। नवा कबूतर भी बैठ गया कलसरा, नौ कबूतर बैठ चुके हैं। एक अपना कलसरा चल रहा है और नीला और कास्नी तीन चल रहा है अब। देखिए दोस्तों आधे घंटे के अंदर ही पर फैला दिए इन्होंने, और ये नीला आते हुए पीछे, इसके ऊपर ये कलसरा है और सबसे ऊपर कास्नी है अभी। तो ये नीला बैठते बैठते रह गया, ये आगे नीला। तो दोस्तों आधे घंटे के अंदर इनके सब कजबल निकल गए, ये कास्ती सबसे ऊपर लगी हुई है, इसके पास ये कलसरा है, दो बच्चे हैं बस, बाकी सब आ चुके हैं। इनको नीचे उतारते हैं, यहाँ पे छत पे पानी डाल रहा था तब जाके बैठ पाया मैं, वरना इतनी खतरनाक तपिश हो रही थी छत के ऊपर कि कोई बता नहीं सकते। तो दोस्तों एक कलसरा कबूतर आते हुए अपना, तो सिर्फ साहब एक ही कबूतर निकला है जो थोड़ा सा ताकतवर निकला है, जबकि लगता है इन सबसे कमज़ोर है वो कबूतर, लेकिन
थोड़ा सा अच्छा निकला इनसे, लेकिन लगातार इनको अब धूप में उड़ाएंगे तो आदत बन जाएगी इनकी धूप में उड़ने की। दोस्तों रमज़ान चल रहे थे इस वजह से बोला भी नहीं जा रहा था, सुबह बैठने की बात बहुत मुश्किल है दोपहर के अंदर छत पे, क्योंकि अभी इस मौसम के अंदर बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है। और रोज़े के अंदर रोज़ा साथ में लिए हुए ऊपर छत पे बैठना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पाती उसके अंदर, तो ये आता हुआ। और काश्ती बहुत ज़बरदस्त परवाज दे रही है कबूतरी कागा, ये साइड है ये बिल्कुल भूत बदी उड़ रही है। दोस्तों ये कलतरा कबूतर भी आ गया, और अब दो कबूतर बचे, एक ये नीचे आ रही है कबूतरी है। तो दोस्तों ये कास्टिंग कबूतरी बैठ गई आके, अभी इसकी दुम हल्की सी खुड़ी हुई है तीन चार पर, जो मेरे हाथ की वजह से निकल गए थे। तो आज सारे कसबल ढीले दोस्तों, और बने रहिएगा पूरे वीडियो में, इनकी उड़ान और बढ़ेगी। अब दोपहर का लगवाया है टाइम, हल्के से बादल आ गए तो थोड़ा सा मौसम में सुकून मिला है, तो इनको उतारते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत।